विधायक ने कलेक्टर को कहा बदतमीज बेवकूफ। रामबाई बोली, आपकी आंखें फूट गई क्या? कलेक्टर ने कहा FIR कराऊंगा। अक्सर अपने बयानों से विवादों में रहने वाली मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पथरिया विधायक रामबाई परियार एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई हैं। इस बार उनके निशाने पर जिले के कलेक्टर आ गए। विधायक ने कलेक्टर के दफ्तर में जाकर उनसे बात की, फिर किसी बात से नाराज होकर उन पर भड़क गई। आइए दिखाते हैं आपको ये वीडियो। दरअसल बसपा विधायक रामबाई सिंह परियार ने तीखे तेवर दिखाते हुए दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य को अशब्द कहकर अपमानित किया। इस दौरान उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। दरअसल पथरिया विधानसभा क्षेत्र के नरसिंहगढ़ में शुक्रवार को मुख्यमंत्री जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रमुख अधिकारी नहीं पहुंचे, जबकि यहां पर बहुत सारी महिलाएं अपनी समस्या लेकर पहुंची थी और इस बात पर विधायक रामबाई को गुस्सा आ गया और इसके बाद उन महिलाओं को लेकर वो कलेक्ट्रेट पहुंच गईं। विधायक रामबाई ने पहले तो कलेक्टर को चैम्बर से बाहर बुलाया और फिर उन्हें समस्या बताने लगी, जिसके बाद कलेक्टर ने कहा कि हम चेक करा लेते हैं, लेकिन इतना सुनते ही रामबाई का गुस्सा फूट पड़ा। विधायक ने गुस्से में आकर कहा, क्या अरे आंखें फूट गई हैं क्या? चेक कराने की बात करते हो, कलेक्टर हो कि ढोर हो, बेवकूफ आदमी, क्यों कलेक्टर की कुर्सी पर बैठे हो? जब तरीका नहीं है तो अपने घर बैठो बदतमीज। इसे सुनकर कलेक्टर अपने चैम्बर में चले गए। इसके बाद विधायक रामबाई ने मीडिया को बताया कि कलेक्टर AC चैम्बर में बैठे रहते हैं, जनता परेशान है और 15 साल से लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए शिविर आयोजित कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाबदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच रहा है, इसलिए लोगों को लेकर कलेक्ट्रेट आई थी। कलेक्टर को समस्या बताई तो वो बार बार कह रहे हैं जांच करा लेंगे, चेक करा लेंगे, और इस बात पर उन्हें गुस्सा आ गया। बसपा विधायक रामबाई और दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के बीच हुए इस नोकझोंक का वीडियो अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने कहा कि विधायक ने जो ये हरकत की है, इस पर उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी और इसे लेकर उन्होंने SP को इस मामले की जानकारी दे दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।